मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रशीद कंपाउंड के सिल्वर पार्क में कुछ बिल्डरों द्वारा एक नाले के ऊपर इमारत बनाने का काम शुरू किया गया, मगर आसपास के इमारत में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया है। इसके पहले भी कई बार इस जगह पर अवैध इमारत बनाने की कोशिश की गई, मगर विरोध होने पर काम रोक दिया गया। मगर एक बार फिर कुछ बिल्डर मिलकर यहाँ पर पतरे लगाकर घेराबंदी की और जो नाले हैं उनकी खुदाई भी की गई है। चारों तरफ नाले हैं और नाले के ऊपर ही ये इमारत बनाने की तैयारी में है। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि मदरसा बनाएंगे, मगर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि मदरसे की आड़ में इमारत बनाने की तैयारी चल रही है। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से नाले के ऊपर इमारत बना रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता भी बंद हो रहा है, और नाले पर अगर इमारत बनी, हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर यहां बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने वाले स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता रहमान शेख से क्या बातचीत की है। आप लोगों क्या प्रॉब्लम है और ये किसकी ज़मीन है, कौन लोग है जो इस पे बिल्डिंग बना रहे हैं? ये तो मालूम नहीं किसकी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चालू है, यहाँ पे आजू बाजू वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और दूसरी बात, यहाँ बाजू से 6 फुट का नाला गया है बिल्डिंग ये जगह के तीनों बाजू से, और अगर यहाँ बिल्डिंग बनता है और आजू बाजू की जितनी भी बिल्डिंग है सब धोखादायक है, तो आगे फ्यूचर में लोगों को बहुत तकलीफ होगा। और बस यही बात है कि बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। बस ये जो कौन लोग हैं जो बिल्डिंग पे बोले जगह के ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं? अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोग आए हुए हैं, पत्रा वगैरह यहाँ लगाए हैं, काम चालू किए हैं, और जैसे पता चलेगा कौन लोग हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो 2010 में की कराया था, जब जो लोग काम कर रहे थे उन लोग कराए थे। अभी कौन लोग आए हैं ये नहीं पता है, पहले के लोग नहीं है, पहले के लोग चले गए, जो लोग थे काम कर रहे थे 2010 11 12 13 में वो नहीं है, अभी नए लोग आए हुए हैं। अब इनके बारे में पता करेंगे कौन लोग हैं, फिर उनके नाम पे कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, नहीं तो ऐसे नॉन कंप्लेंट देंगे कॉर्पोरेशन को। और कुछ लोग दिए हुए सिल्वर पार्क के लोगों ने कंप्लेंट, इससे पहले 5-6 बार काम करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉर्पोरेशन ने काम रुकवा दिया, काम नहीं होने दिया, आके तोड़ के जो काम किए थे उसको तोड़ दिया था कॉर्पोरेशन ने, फिर कुछ लोग आए हैं काम करने के लिए। और लोग जो मदरसा बोलते हैं सिर्फ लोगों का ईमान खराब करने के लिए बोलते हैं, अपने बिजनेस के लिए, यानी मदरसे का नाम लेके ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं मदरसे के नाम पे बिल्डिंग बनाएंगे। कितना नुकसान होता है? ये रास्ता यही है, बस यही रास्ते में बिल्डिंग बना रहे हैं। हां यही रास्ते में बिल्डिंग बना रहे हैं। कहाँ से जाएंगे लोग, किधर से जाएंगे, क्या करेंगे? और पानी भी कितना भरता है, लोग बहुत तकलीफ है इधर। लोग अब इसकी शिकायत भी करने वाले हैं, क्योंकि अगर इमारत बनी तो लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और जिस जगह ये अवैध रूप से इमारत बनाने की तैयारी चल रही है, वहां 2 से 3 बड़े नाले हैं, और उस नालों पर ये बिल्डर इमारत बनाने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से नाले के ऊपर इमारत बनाने की तैयारी चल रही है, क्या शासन प्रशासन इस पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।